हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। और आज एक उससे भी ज़्यादा स्वस्थ होने के लिए मैंने एक रेसिपी डाली है, ग्रोनोला रेसिपी। होममेड ग्रोनोला कह सकते हैं आप इसे, ऑर्गेनिक ग्रोनोला कह सकते हैं। सब कुछ बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। और बाय द वे, सबसे पहले हैप्पी विजयादशमी, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग वीडियो जाने वाली है। मैंने कभी भी आज तक इसके पहले वैसा वीडियो पोस्ट नहीं किया है, तो जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज और वेट कीजिए, मंडे का वही वीडियो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। ये है ग्रोनोला जो यहाँ मार्केट में मिलता है, बट मुझे वो पर्सनली, मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी उसका स्वाद मुझे नहीं पसंद है। और इसका क्रेडिट मेरी ही सिस्टर इन लॉ को जाता है, बिकॉज उनसे ही मैंने ये सीखा है, वो भी कहीं से सीखी हैं तो वो मुझे बताई। बट हाँ, मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, कभी भी वीडियो को आप कॉपी मत कीजिए, कुछ ना कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डालिए। अगर आपको ज़्यादा बेक करना है तो ज़्यादा बेक कीजिए, आपको अगर शुगर कम करना है तो कम कीजिए, जो भी करना है कीजिए। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है ओट्स, देख सकते हैं ये कौन सा ओट्स है आपके सामने है। आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही ओट्स लें, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो मार्केट में बस वही ले आइए। किसी भी ओट्स से ये बहुत ही अच्छा बनेगा। एक बड़ा सा बोल, कोई भी मिक्सिंग बोल लीजिए आप। ये मुझे वीडियो बनाना है तो मैंने ऐसे शीशे का लिया है, अदरवाइज अगर आपके पास बड़ी थाली हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई भी नट्स यूज़ करें, ये बहुत टेस्टी लगता है, सनफ्लावर सीड्स, तो जो थोड़ा टेस्टी लगता है ना वो यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा है। बट अदरवाइज जो भी नट्स आपके फेवरेट हैं आप वही डालें। मेरे पास ऑलमंड इस तरीके से था, बिल्कुल खड़ा, जो मैंने आपके सामने अभी खलबट्टे में कूटा है। आप चाहें तो मिक्सर ब्लेंडर में जाके एक बार में ही इसको हल्का सा क्रश कर सकते हैं। ये है पीकन, पीकन का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, अगर आपको मिले तो आप ये ज़रूर डालें। और बेक होने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जब बेक नहीं, रोस्ट होने के बाद। और ये है वॉलनट, वॉलनट का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, कोकोनट होता है, कैश्यूज होते हैं, जो भी आपको ऐड करना है इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इतनी इजी रेसिपी है ना, किसी को भी बहुत ही जल्दी आ सकता है। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कितने टेम्परेचर पे आपको बेक करना है, कितना मीठा चाहिए आपको। तो ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपके घर में हो, वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल। ये है मेपल सिरप, आप एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर नहीं है तो हनी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मेपल सिरप मुझे लगता है बेस्ट है, तो आप भी यही यूज़ करें। तो 3 से 4 चम्मच मैंने, बिल्कुल मेरा एक्चुअली ओट्स बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिए हैं। और मेपल सिरप तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आपको मीठा खाना है। मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है क्योंकि मैं इसके अंदर अपना कुछ ट्विस्ट डालने वाली हूँ, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, जिससे इंडियन लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ का मुझे नहीं पता, बट हम इंडियंस हैं ना, तो हमें थोड़ा सा इसके अंदर अपना वाला फ्लेवर चाहिए होता है। तो बस इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी बना लेंगे हम। तब तक हम प्री हीट पर इसको लगा देते हैं। तो 320 पर हम इसको प्री हीट करेंगे फॉर 15 मिनट्स। जब अच्छे से ये गर्म हो जाएगा ना, तो फिर आप जब अपना ओट्स इसके अंदर डालेंगे तो फिर परफेक्टली वो बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, बेक हो जाएगा, जो भी आप कह लें वैसे हो जाएगा। बस ये स्टार्ट हो गया है बेकिंग, बेकिंग नहीं, प्री हीट होना। और तब तक इधर चलते हैं, इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं यही जो हमने मिक्सचर बनाया था ऑयल और मेपल सिरप का, उसके अंदर 2-2 चम्मच करके ऐसे ऐड करेंगे और हल्का हल्का सा उसको एक अच्छा सा मिक्स देते जाएंगे, ताकि सारे साइड में अच्छे से वो चिपक जाए। और सच में कसम से अमेजिंग टेस्ट होता है। मैं ऐसे सिर्फ वीडियो के लिए मैं ये नहीं बात करूँ, मैं इसको इतने मन से खाती हूँ, इवन मेरे हस्बैंड भी, और मुझे लगता है हर किसी को। एक्चुअली ये दाने मुरमुरे ना स्नैक्स के जैसा भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो जरूरी नहीं कि किसी चीज में आप डिप करके खाएं, साइड में रख करके और चाय के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ लिया है मैंने एक बेकिंग ट्रे, कोई भी ट्रे जो ओवन के अंदर इजिली जा सके आप ले सकते हैं। इसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल डाला है, थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रे किया है, मेरे पास स्प्रे ऑयल था तो मैंने वही यूज कर लिया। आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए, किसी भी ऑयल से चलेगा। इसके अंदर अच्छे से आप अपने ओट्स लगा दीजिए। मेरी लेयर एक्चुअली काफी मोटी थी तो मुझे 3-4 बार इसको बेक करना पड़ा था। पतला लेयर अगर लगाएंगे तो सिर्फ 15 मिनट्स के लिए 320 पर आप इसको रखना होगा आपको। मैंने 3 से 4 बार रखा क्योंकि लेयर अच्छी खासी मेरी मोटी थी, तो डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है। और ये दोनों ट्रे में मैंने, मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, मैं बता रही हूँ मैं क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे खाते हैं। और ये हो गया है मेरा प्री हीट, और अब इसके अंदर लगा देते हैं हम अपने ओट्स को। दोनों ट्रे को मैंने साथ में ऊपर नीचे ऐसे करके रख दिया है, बहुत ईजी हो जाता है और जल्दी बन जाता है। मेरा थोड़ा टाइम लगा था जैसा मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा लेयर था।
तो बस इसको छोड़ देंगे 15 मिनट्स के लिए 320 पर। हम इसको आपके सामने ही टेम्परेचर में सेट भी कर रही हूँ। ऑटोमेटिक है ये, 350 पर ही ये सेट होता है, बट इसको कम किया जा सकता है। और यहाँ देखिए टाइमिंग भी मैं आपके सामने सेट कर रही हूँ, आप भी देख लीजिए। थोड़ा इसी का ध्यान रखना होता है, टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे आप तो जो इसके ऊपर नट्स हैं ना, वो उसके जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये भी मैं एक्सपीरियंस के बल पर ही बता रही हूँ, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है कि हाँ वो ओट्स जल जाते हैं। अगर आप ओट्स नहीं, जो ऊपर के नट्स होते हैं वो बहुत ही गंदे जले हुए से हो जाते हैं। यहाँ 15 मिनट्स हो गया है, इसको हम निकालते हैं और एक बार इसको अच्छा सा मिक्स दे करके वापस से फिर 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। और अगर आपका ओट्स पतला है, लाइक लेयर थोड़ी पतली है ना, तो इस बार आप इसमें जो मैं ट्विस्ट देने वाली हूँ वो डाल करके, इट मीन्स गुड़, मैं इसके ऊपर जैगरी डालने वाली हूँ। गुड़, चीनी बिल्कुल मत डालिएगा, गुड़ ही डालिएगा। बता रही हूँ मैं, ऐसा स्वाद आएगा कि आपने पहले कभी वैसा ग्रेनोला खाया नहीं होगा। कितना भी आप मेपल सिरप डाल लें, कितना भी हनी डाल लें, बट बिलीव मी, मैं इतनी कुकिंग करती हूँ इस बेस पे, मैं बता सकती हूँ कि क्या चीज़ इसमें इंडियन लोगों के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा। ये पंजाबी शक्कर है जो मैंने आपको अभी दिखाया, कोई भी शक्कर जो आपके पास हो, यहाँ बहुत ईजिली ये पंजाबी शक्कर मिलता है। पर्सनली मुझे ये लाइक ऐसे नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोग गुड़ घी खाते हैं तो गुड़ घी में ये नमक नमक का स्वाद आता है। बट इस ओट्स के अंदर जो है ना, आप अगर थोड़ा सा सॉल्ट, जो कि मैंने जहाँ से सीखा है, हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करते हैं, लेकिन इस गुड़ में ही हल्का ना सॉल्ट जैसा है, इसलिए मैंने सॉल्ट नहीं डाला। अगर आपके पास गुड़ बिल्कुल प्योर इंडिया वाला गुड़ है, तो आप ना एक पिंच सॉल्ट भी इसके अंदर, सारा मिक्सिंग बाउल में जब सब कुछ ऐड कर रहे हैं तो उस मिक्सिंग बाउल में आप थोड़ा सा शक्कर, नहीं क्या बोलते हैं, नमक भी ऐड कर दीजिएगा। बट एनी वे कोई नहीं, यहाँ देखते हैं। और ये तीसरी बार मैंने निकाला है और मैंने शक्कर ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ऑलमोस्ट अब थोड़ी ही देर में ग्रेनोला बनके मेरा रेडी हो जाएगा। आप हाथों से छू करके, मुंह में खा करके भी पता कर सकते हैं कि दो बार में ही अगर आपका डन हो गया है, वैसे मोस्टली दो बार में ही डन हो जाता है, बट जैसा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा था, लगभग मेरा 2 किलो के अराउंड में बना ली थी तो ये मैं तीसरी बार रख रही हूँ। और टेम्परेचर इस बार मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डन है, तो 300 पे मैंने रखा है 7 मिनट्स के लिए, और इस बार बिल्कुल बक्का बनके डन हो जाएगा। अभी देखिए एंड हो गया, एंड नहीं हो गया, वीडियो का एंड नहीं हो गया, ये बन गया इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यमी चीज़ कुछ ऐड करने वाले हैं हम, जो कि सारे ही ग्रेनोला में ऐड होता है। और वो बहुत सिर्फ यमी नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। वो चिया सीड्स ऐड करेंगे हम और रेजन्स ऐड करेंगे, दोनों ही आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लोग मॉर्निंग में मोस्टली रेजन्स के साथ, मतलब किशमिश के साथ पानी पीते हैं, या फिर चिया सीड्स रात में भिगाते हैं, जो कि मैं तो करती हूँ पर्सनली। तो हाँ, वही अभी इसमें थोड़ी देर में ऐड करेंगे। और ये काफ़ी गर्म है, तो जब आप इसके अंदर रेजन्स डालेंगे ना, तो लाइक वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और चिया सीड्स उसके अंदर चिपक जाएगा। इसका मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, किशमिश के अंदर चिया सीड्स का चिपक जाना तो यू नो, आप जब काम करते हैं ना, कुकिंग करते हैं, दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो कोई भी कुकिंग करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपको खुश रहना है, वो आपके खाने में डबल ट्रिपल स्वाद लेकर के आएगा। अगर आप सिर्फ काम करने के लिए काम करते हैं ना, कि कैसे भी हो जाए, तो वो चीज़ आप कितना भी अच्छा बना ले, उसमें वो स्वाद नहीं आ पाता। तो ये याद रखिए, जब भी आप हल्की कुकिंग कर रहे हो, भारी कुकिंग कर रहे हो, थोड़ा मन को खुश रखिए, बगल में म्यूजिक बजा लीजिए, कोई भी जिस गाने में आपका इंटरेस्ट हो वो कीजिए, कुछ भी कीजिए, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यही कीजिए आप। कभी कभी तो मैं क्राइम पेट्रोल भी लगा लेती हूँ अभी तो मैंने थोड़ा कम कर दिया, मैं मोस्टली नेटफ्लिक्स देखती रहती हूँ उस टाइम पर, या किसी से बात करती हूँ। बट हाँ, इतना ओवन वाले काम करने के टाइम पे मैं बिल्कुल भी नेटफ्लिक्स नहीं देखती, अदरवाइज जलने का इसका डर है मेरे से भी ज़्यादा तो फिर देखिए, अभी फाइनली मेरा ये ग्रेनोला बन के रेडी हो गया। मैं इसमें आपको कहानी किससे भी सुनाने लगती हूँ, सॉरी बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी डिश है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप जितनी जल्दी ट्राई करेंगे ना, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं वॉइस ओवर करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आकर के ही बताती हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये बनता कैसे है ग्रेनोला, घर में इतना ज्यादा टेस्टी, इतना ज्यादा यमी बनता है। मुझे लगा कि मैं वॉइस ओवर करूंगी, उससे अच्छा मैं सामने आकर के आप लोगों को बताती हूँ। अभी हो गया है रात और मैं आ गई हूँ नाइट सूट में, तो और ये ग्रेनोला बनके मेरा 100% होममेड, ऑर्गेनिक, जो भी आप कह सकते हैं, और इतना ज़्यादा यमी ये बना है ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने पहले भी कई बार इसको ट्राई किया है, ये बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा सा, बिल्कुल यमी सा, आप स्नैक्स के जैसा भी इसको खा सकते हैं।
और आप एज ए लंच एज ए डिनर जो हल्का खाने का आपका मन है तो आप इसे ज़रूर खाएं। मुझे लगता है द बेस्ट फूड एवर। मैंने पहले तो नहीं इतना खाती थी लेकिन जब से मैं घर में बनाने सीखी हूँ, और ये क्रेडिट जाता है मेरे सिस्टर इन लॉ को, वो जहाँ से भी सीखी हूँ, मुझे एक छोटी सी वीडियो उन्होंने भेजी थी, लेकिन लाइक हर किसी का तरीका होता है अपना बनाने का, तो आपको अपना टेक्निक ज़रूर उसमें लगाना चाहिए। ये नहीं है कि सेम टू सेम वीडियो को कॉपी कर लिए फिर वो उसका टेस्ट होगा, हमारा नहीं। तो वो लोग गुड़ ऐड नहीं किए थे, सिर्फ मैपल सिरप यूज़ कर रहे थे और हनी यूज़ कर रहे थे। मेरे टेस्ट में वो ज़्यादा नहीं है। गुड़ का सौंधा जो टेस्ट आता है ना, स्पेशली बेक होने के बाद जब आप उसके ओवन में डालते हैं, तो जो मतलब अमेजिंग स्वाद, अमेजिंग वो स्वाद इसके अंदर आ जाता है। गुड़ आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको कम डालना है तो कम डालिए। मैंने ऑलरेडी कम डाला है, तो पहले मैं जब मतलब मेरी सिस्टर ला जब बना के मुझे देती थी तो उसमें गुड़ थोड़ा ज़्यादा होता है, बट शुगर अगर आप कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से गुड़ ऐड कीजिए। अब देखिए इसको खाते कैसे हैं, आप इसे दूध के साथ भी खा सकते हैं और दही के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए तो दूध के साथ खाइए, और थोड़ा अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप इसको दही के साथ खाइए। तो दही के साथ मुझे लगता है ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको खाते कैसे हैं। आप इसे चाहें अगर कुरकुरा खाना, जो कि पर्सनली मुझे कुरकुरा बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ऐसे खाती हूँ, बट अगर जिनको क्रंची नहीं पसंद है, थोड़ा सॉगी फॉर्म चाहिए, तो वही पोहा के जैसे आप थोड़ी देर से 5-10 मिनट 15 मिनट अपने हिसाब से भिंगा के छोड़ सकते हैं, बट मुझे ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। इतना हेल्दी और इतना यमी खाना आई डोंट नो मुझे आता है या नहीं दूसरा बनाने, या फिर मैंने कभी सुना है कि नहीं। नट्स आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, टोटली सब कुछ कस्टमाइज किया जा सकता है, बट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में नहीं पसंद है इसके अंदर बहुत सारा मीठी चीज, कम ही नट्स रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब खाते हैं दही वाला। अगर आप दही के साथ खाएंगे मीठा बहुत कम लगेगा आपको, आप चाहें तो और भी इसके अंदर मैपल सिरप, हनी या गुड़ जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसको अभी रखते हैं साइड में, बाद में मैं खाऊंगी, अभी कर देते हैं वीडियो का एंड। तो अगर आपको वीडियो ये कहीं भी किसी भी एंगल पे अच्छी लगी हो, लाइक इसमें तो मैंने एक ही रेसिपी दिखाई हो तो कहीं और किसी नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, जरूर कीजिएगा। और आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा कि कैसे बना है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं, लाइक डर कहते हैं ना नीचे सैंड या फिर नमक लगा करके कढ़ाई में, तो उस तरीके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सॉरी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लेकर देते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय, और रात है तो गुड नाइट गाइस।